मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। इस समय की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कुछ परिवारों ने अपने बुढ़ापे के सहारे की लाठी खोई है, कुछ ने अपने पालकों की छाया भी खोई है। इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे परिवारों को जिनके घर में आजीविका उपार्जन करने वाले कोई नहीं बचे, उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन शासन द्वारा दी जाएगी। श्री चौहान ने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े, ऐसे बच्चों की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। इन परिवारों को पात्रता ना होने पर भी राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे परिवारों के महिला या पुरुष सदस्य जो काम करना चाहें, ऐसे सदस्य को सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज के काम धंधे के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जीवन की गाड़ी फिर से शुरू हो सके। ऐसे बच्चे और परिवारों का सहारा हम हैं, हमारी सरकार है। भोपाल से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है, और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा, ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। पर अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है, या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे, तो उनको सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं, प्रदेश की सरकार है। ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश उनकी देखभाल करेगा, प्रदेश उनकी चिंता करेगा।